तो गाइस नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और यार आप सभी को पता है कि मतलब 5000 सीरीज यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है और तुम लोग बहुत दिनों से कह रहे हो भाई वीडियो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तेरे क्या व्यूज हैं इस चीज पे। और यार तुम लोगों को पहले से ही पता है यार, प्राइसिंग मैं तुम लोगों को हद से ज्यादा मतलब कन्फर्म्ड बता चुका था अपने लीक्स वाली वीडियो में। मैं तुम लोगों को प्रॉपर रीजंस दिए थे कि प्राइसिंग इतने के आसपास ही होगी, 1-2 हजार ऊपर हो सकती है, और वही हुआ है। तो वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितनी प्राइसिंग बताई थी और अभी जो प्राइसिंग निकल कर आई है वो क्या है, और क्या वो प्राइस इफेक्टिव है, क्या उस प्राइस पे आपको जो 5000 सीरीज के प्रोसेसर लॉन्च हुए वो खरीदने चाहिए, क्या जितना प्राइस एक्स्ट्रा आप अभी पे कर रहे हो क्या उतना आपको परफॉर्मेंस मिल भी रहा है, क्या ऐसा कुछ अलग हुआ है, क्या ऐसा कुछ नया हुआ है, क्या ऐसा कुछ रियली में आर्किटेक्चर नोड चेंज ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिला हो या फिर कुछ और देखने को मिला हो, तो उस सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और यार मेरे क्या ओपिनियंस है वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को, जस्ट आफ्टर अ स्मॉल इंट्रो। तो यार तुम लोगों को पता है कि यार मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा एनालिसिस में टाइम लेता हूँ। ये वाली वीडियोस में हमेशा आपको एक गेम प्ले के साथ देता हूँ क्योंकि आप जानते हो कि मेरे लिए यहाँ पे आपको समझाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लीज 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 गेम प्ले इंजॉय करो यार। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे क्या होता है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चेक आउट द कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे हम डालते हैं ऑसम पीस रिलेटेड कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते एक ऐसी एक ना एक वीडियो मिल जाएगी आपको। लाइव स्ट्रीम भी करते हैं भाई हम, मतलब फुल ऑन मस्ती भी होती है यहाँ पे। जितनी भी आपकी महीने की भड़ास जैसे आप स्ट्रेस बोलते हो वो आगे मेरी लाइव स्ट्रीम पे निकाल सकते हो बिना किसी टेंशन के। लेकिन यहाँ पे टॉपिक है यार राइजन के 5000 सीरीज के प्रोसेसर्स। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने बजट वाले भाइयों की। देखो मैं बजट वाला हूँ, तुम बजट वाले हो, तो हम सभी बजट वाले हैं। तो सबसे पहले बजट की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेसर है वो लॉन्च हुआ है वो है राइजन 5 5600। तो उसकी प्राइसिंग मैंने तुमको बताई थी 2400 से 2600 के अराउंड में, जो कि आपको विद जीएसटी पड़ती है फॉर नाउ 27.2K के आसपास पड़ती है, जो कि यार मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि जब मैंने आपको प्राइसिंग बताई 24 से 26K, अगर इसके बीच में होती प्राइसिंग तो मैं एक बार को मान लेता। क्योंकि मैं क्यों मान लेता, क्योंकि यार यहाँ पे जो आपको सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो सच में गजब है। और मतलब नहीं सोचा था किसी भी इंसान ने कि इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस में, क्योंकि सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस में 200+R15R20 में आपका स्कोर प्लस कर रहा है, स्कोर रेट कर रहा है, मतलब लगा सकते हो आप, बहुत ज्यादा बड़ी बात है यार, बहुत प्यारी बात है, मतलब जिसे कह सकते हैं। और सिनेमेंच ही नहीं यार, बहुत सारे ऐसे, हालांकि सिनेमेंच में मतलब जो राइजन के प्रोसेसर है वो इसलिए भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी जो सिंगल मल्टीकोर फ्रीक्वेंसी जो उनकी है, जैसे लाइक FCL के है या फिर MCL के बोल लो, वो इतनी 3000 में ही सेम थी, जो कि जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्यों एक वो ड्रॉबैक है। हालांकि FCL के और अगर BCL के की बात करूँ, जो कि बेस फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रोसेसर, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा प्यारी है इन द केस ऑफ राइजन 5000 सीरीज और राइजन 3000 सीरीज। बट FCL के की बात करूँ तो FCL की में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये जो प्राइसिंग है मुझे श्योरली ज्यादा लगी। और इतनी ही नहीं यार, हम अगर बात करें 5800 की, तो वो आपको 41 के अराउंड मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था 38 से 40 के बीच में देखने को मिलेगा, बट 41 का आया है, कोई बात नहीं। 5900X जो कि मैंने आपको बोला था 48 से 50 के बीच में देखने को मिलेगा, 49.4K के आसपास इंडियन प्राइसिंग है, और ये इंक्लूडिंग GST बता रहा हूँ मैं, कोई एक्सक्लूसिव GST नहीं है, इंक्लूडिंग GST प्राइस है। तो ये आपको 5900X देखने को मिलती है। और 5950X की बात की जाए तो वो 72 के आसपास देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था 69 से 70K के आसपास देखने को मिलेगा। बट ठीक है यार, इतना प्राइसिंग आपको भी पता है, 2K से 1K कहीं भी नहीं जाता। यार ये वीडियो मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, आप सबसे पहले आते हैं कि मुझे क्यों इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा लगी है, जो मेरी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग थी 2-3 हजार रुपए, क्यों ज्यादा लगी है। सबसे पहला कारण ये है मेमोरी डाई जो है, मेमोरी कंट्रोलर जो है, जो आपका राइजन 3000 सीरीज में था वो ही सेम टू सेम मैं ये समझ लो 5000 सीरीज में। ऐसा नहीं है कि 5000 सीरीज के साथ जो उसका CCX काउंट है या फिर CCD काउंट है उसकी वजह से उसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो ये चीज बिल्कुल सेम है।
एफसीएल के, अगर आपको नहीं पता तो एफसीएल के एक टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्लॉक होती है, जिसे जिस पर आपके जो इंफिनिटी फैब्रिक है, मतलब आपका जो राइजन प्रोसेसर है, वो वर्क करता है, और ये होती है विद रेशियो ऑफ 1:1 और 1:5 विद रेशियो ऑफ एफसीएल के टू एमसीएल के. एफसीएल के होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो वर्क करती है, बस स्पीड बोल सकते हो एक तरीके से. और एमसीएल की होती है जो कि मेमोरी ओवरक्लॉकिंग से रिलेटेड है. लाइक अभी आपको नहीं पता तो 3000 सीरीज जो है वो 3800 मेगाहर्ट्ज की जो रैम थी उसको बहुत प्यारे से ओवरक्लॉक करता था और उस पर इजिली वर्क करता था, लेकिन जैसे ही आप उससे हाई जाते थे तो वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी जो कि बहुत ही ज्यादा एनोइंग थी. और यार वहां पे आपको परफॉर्मेंस डाउन भी देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस, लाइक गेम्स और इन सब में आप इन सब चीजों में आपको डाउन देखने को मिलता था. तो ये है सबसे बड़ा कारण. मुझे भी पता है हमारे यहाँ के जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े बड़े भाई हैं मेरे जिनको, जिनसे मैं मिल चुका हूँ, उन्होंने ये पार्ट कवर क्यों नहीं किया. बस पता नहीं वो खाली बेंचमार्क्स दिखा के क्यों ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऑडियंस को, मुझे नहीं पता. बट यहाँ पे मैं सीधा कह देना चाहता हूँ, देखो कुछ घंटा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ जिस चीज से मैं बहुत खुश हूँ वो है सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस. अगर मुझे अभी भी आप कहते हो कि यार 5600X खरीदना है तो तू खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, देखो मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा हाई है. मैं खरीदूंगा 5600, खाली 5600, विच इज अ नॉन एक्स वेरियंट, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यारा रहेगा एक तरीके से बोलूँ तो. आप लोगों की भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 5600 के साथ ना जाकर 5600 लो, विच इज नॉन एक्स वर्जन, क्योंकि उसको भी आप थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक कर सकते हो. यहाँ पे भाई सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है एफसीएल के ना बढ़ने का, विच इज अर्लियरली विच इज गोइंग टू बी 1800 नॉर्मली, बेसिकली वो जो उसका जो बेस है वो 1800 से स्टार्ट होता है, बट यू कैन टेक इट अप टू 1900 इजीली 1900 तक ले जा सकते हो. अगर आप की मान लो VCD वोल्टेजेस मतलब बढ़ा देते हो, अगर आपको किसी 1.15 कर देते हो या पर 1.1 रखते हो और 1.15 कर देते हो तो आप इजीली उसको 1900 टच कर सकते हो. और अगर आप 1900 टच नहीं कर रहे हो तो यार आपकी जो किस्मत है वो उस प्रोसेसर को लेकर बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उसका जो लॉटरी से रिकॉर्ड वाला है, ओवरक्लॉकिंग वाला सीन है, वो बहुत कम सीन है, क्योंकि 1900 मोस्ट ऑफ द जो मतलब 90% जो आपके प्रोसेसर थे वो गए थे, उनका जो FCL किया वो 1900 किया था. लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ 5600 जो अच्छे खासे ओवरक्लॉकर्स हैं जिन्होंने ये टेस्ट किया है, उनका FCL के 1933 भी प्लस नहीं गया है और वहाँ पे क्रैश हो रहे, बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे स्टेबल नहीं है. तो मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल ऑब्सेस्ड हूँ और बिल्कुल परेशान हूँ, मतलब सरप्राइज्ड हूँ एक टाइप से. यार ठीक है आपके पास रेज मोड है, आपके पास स्मार्ट एक्सेस मेमोरी है, बहुत सारी चीजें, बट दैट इज नॉट द बेसिक थिंग जो हम जिस चीज के लिए राइजन को खरीदा जा रहा है, जिस चीज के लिए उसको बाय किया जा रहा है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर इज ओवरक्लॉकिंग फीचर. मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर आर अनलॉक्ड, तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी मैटर. सो यही थी कुछ आज की वीडियो. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई अगर आपको लगा हो कि लॉजिकल है जो मैंने आपको लॉजिक बताया है कि यार FCL के वाला लॉजिक जो है वो बहुत सही है, अगर आप इस पर थोड़ा स्टडी कर सकते हो तो प्लीज करना, थोड़ा जानने की कोशिश करना. अब यार बात करता हूँ कौन सा प्रोसेसर ऐसा है 5000 सीरीज का जो तू बोलेगा खरीद ले. देखो मेरे हिसाब से 5800X आप जरूर खरीदना, 5900X आप जरूर खरीदना. क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप बात करता हूँ i7 10700K की या फिर i9 की बात करते हैं तो i9 में बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन है, i7 में जितना ज्यादा पावर कंजम्पशन है, मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इतनी कुछ खास नहीं मिलेगी आपको, एज कम नहीं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो नहीं पर वॉट परफॉर्मेंस रेशियो कुछ खास नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू 5900X, तो 5800X. तो प्लीज अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो तो 5800X, लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो 5600X और i7 10700K तो मैं 10700K के साथ जाऊंगा, बिकॉज वो एक 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है और 3000 रुपये में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके मैं इंटेल प्रेफर करूंगा, जो कि 5.1 GHz पे क्लॉक भी हो रहा है और बहुत ज्यादा प्यारी भी प्रोवाइड करेगा और सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस कई देखो 50% मान के चलो 50% वो अच्छा है 50% वो अच्छा है, तो इसे आप कंक्लूड कर सकते हो कौन सा आपको बाय करना है. यहाँ पे फिर बात ये भी जाती है कौन सा प्लेटफॉर्म आपको पसंद है, किसके आप फैन बॉय ज्यादा हो. देखो मैं तो इनके का फैन बॉय हूँ अभी से. तो यार यही थी कुछ आज की वीडियो, मैं आपको मिलूंगा ऐसी ऑसम वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अगर आपको कंटेंट पसंद है तो और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या फायदा, क्या ही फायदा भाई. सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ और मतलब सबसे पहले वीडियो पाओ. चलो मिलेंगे फिर ऐसी एक ऑसम वीडियो में. बाय बाय.
close till I get up. Time is barely on our side.